हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अतुल कुमार। आज हम बात करेंगे बीकासुल कैप्सूल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बीकासुल कैप्सूल के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपके सामने बीकासुल कैप्सूल का स्ट्रिप रखा हुआ है और हमारा 20 कैप्सूल का स्ट्रिप आता है। इसकी MRP भी कुछ खास नहीं है। ये हमें 33-34 रुपये में आसानी से मार्केट में प्रत्येक मेडिकल पे मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में। आपको देखिए, उस साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, थायमिन मोनोहाइड्रेट 10 mg दिया है, रिबोफेनिवेल 10 mg दिया है, फ्लोरक्सीडाइन हाइड्रोक्साइड 2 mg दिया है, विटामिन B12 जो है हमारा 100 mg दिया है, कैल्शियम फैथोनेट 50 mg, फोलिक एसिड 1.5 mg और बायोटोनिक 100 mg दिया है, एस्कोरबिलिटी 150 mg दिया है। ये तो थी इसकी कंपोजिशन। और इसमें जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये देख सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स 4 विटामिन कैप्सूल, ये हमारा विटामिन से भरा हुआ है कैप्सूल है। तो दोस्तों, अब बताएंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन परिस्थितियों में करते हैं। तो डॉक्टर जो हमारे जो डॉक्टर लोग होते हैं, इसका उपयोग कई रोगों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आपके मुँह में छाले पड़ गए हैं, आप जो पेट की गर्मी से बताया कि हमारे मुँह में छाले पड़ जाते हैं, तब भी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ में कोई एंटीबायोटिक देके हमारा जो है डॉक्टर लोग बीकासुल कैप्सूल का उपयोग करते हैं। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, विटामिन सी की कमी आ जाती है, तब भी लोग डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे जैसे हम खाते हैं कैप्सूल सुबह शाम, तो 6 से 7 दिन में हमें इसका फ़ायदा मिलने लगता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी लग रही है और आपके हाथ पैर में दर्द की शिकायत हो रही है, तब भी हम इसका इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे कि आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त थे, तो और आपको इससे वीकनेस हो रही है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉक्टर भी इसकी बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे जो फैजर कंपनी एक ब्रांडेड कंपनी का ब्रांड है। ये बहुत ही हमारी जो फैजर कंपनी है मार्केट में ज़्यादा चलती है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके गाल पिचक गए हैं और आप अपने गालों को फुलाना चाहते हैं, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा जो है विटामिन B12 दिया होता है, ये हमारी नसों को खोलता है, और जो फॉलिक एसिड दिया है, ये हमारे खून को बढ़ाता है। इससे हमें कुछ दिन में हमारे 10 से 15 दिन में हमारे गाल फूलने लगते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ जो है हमें साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसके साइड इफ़ेक्ट से हमें लूज मोशन हो जाना, खट्टी डकारें आने लगती हैं, या फिर एलर्जी की शिकायत भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसके कुछ ज़्यादा नहीं है, कभी कभी ही किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब इसकी हम डोज खुराक के बारे में बताएंगे, डोज के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, तब तो आप इसे एक एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। अगर हल्की सी दिक्कत है, तब एक कैप्सूल शाम के शाम, यानी दिन में एक बार एक कैप्सूल ले सकते हैं। तो दोस्तों, बीकासुल कैप्सूल के बारे में बस इतना ही। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही रोमांचक वीडियो, मतलब मेडिकल से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।